देखिए, हम कोरोना की लड़ाई में लगभग अंतिम फेज में हैं। बहुत लोगों में स्वयं एंटीबॉडी डेवलप हुई है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके पश्चात अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। परंतु संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक बड़ी संख्या में जब लोगों में प्रोटेक्शन और एंटीबॉडी होंगे, तो हम साइकिल को, वायरस की लाइफ साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे। इसलिए जहां वैक्सीन से प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है, साथ ही हमको मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और उसी से हम इस वायरस की लाइफ साइकिल को तोड़कर संक्रमण को ख़त्म कर पाएंगे। सर, अब इससे अलग हटके एमआई से जुड़ा हुआ है, एमआई में और बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं देने को लेकर आप किस तरह प्रतिबद्ध हैं, और आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट अहम होंगे इस अस्पताल? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मेन प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी आप लोगों के सामने है, और दो दिन से हम उनकी लगातार बैठके भी ले रहे हैं। ये एक पूरे रीजन में, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं कहूँगा, पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा। लेटेस्ट वर्ल्ड की मशीन्स उसमें उपलब्ध हो रही हैं, और जो लेटेस्ट सर्जरीज हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से लेके कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, वो सब वहाँ पे उपलब्ध होंगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल में उसको सुपर स्पेशलिटी के रूप में आरंभ कर सके। पूर्व में आपको पता आवश्यकता थी, तो हमने कोरोना हॉस्पिटल के रूप में उसको आरंभ किया था। अब हम उसको सुपर स्पेशलिटी के रूप में आरंभ करेंगे, और उसी की तरफ हम